भोपाल में नाबालिग छात्र की हत्या, पुलिस पर गंभीर आरोप। भोपाल राजधानी भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक नवी कक्षा के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आरोपी आशीष बाथम और फरियादी दोनों रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। थाने से बाहर निकलते ही आरोपी ने छात्र के सीने पर चाकू से कई बार वार किए। घायल छात्र को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही यह घटना घटी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया, जिससे इस हत्या को अंजाम दिया जा सका। इस मामले में एसीपी चंद्रशेखर पांडे ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। थाना टीटी नगर में 1 अगस्त की रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक हत्या कर दी गई है, और इस सूचना के ऊपर वहां पर थाना मोबाइल और बाकी थाने का बल गया। वहां पर जब तस्दीक की गई तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया, जिसको मर गए पैन पर उसकी जांच जारी की गई, और चश्मदीद गवाहों के कथन के आधार पर और जो शव की रिपोर्ट के आधार पर फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी है वो सोनू बाथम है, और जो मृतक है वो 16 वर्ष की आयु का बालक बचकान पांडे है। इन दोनों के बीच में आपस में दिन में लड़ाई हुई थी, दोनों थाने भी आए थे और इनको समझा बुझा के जब भेज दिया गया था वापस, तो फिर रात में इन दोनों की दोबारा लड़ाई हुई थी, और जो आरोपी है वो घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही मृतक को उसके साथी के द्वारा छोड़ा गया था, उसके पीछे वो आरोपी लग गया था और उसकी फिर किसी ने पूरी चीज से मार दिया, हत्या कर दी गई। नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। वो तो दोनों दिन में शिकायत करने आए थे। एक जो आरोपी है वो अपने पिता के ऊपर मृतक के द्वारा पत्थर मारने की शिकायत लेके आया था, और जिसके पीछे पीछे जो मृतक है वो भी आ गया था, और दोनों को जब बताया गया तो किसी के द्वारा FIR भी पंजीकृत नहीं की गई थी और दोनों थाने से रुखसत कर दिए गए थे। इसमें मृतक के पिता को भी फोन करके बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए, तो मृतक के कहने पर उसके दोस्त के द्वारा उसे भिजवाया गया था। इसमें केवल एक ही आरोपी है जो चश्मदीद गवाह अपराधी रिकॉर्ड है।